नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। गुड्डू मुस्लिम, ये नाम अतीक अहमद के मामले में लगातार खुलकर के सामने आ रहा है और यही वजह है कि इस नाम को लेकर के चर्चा इन दिनों और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। गुड्डू मुस्लिम को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एसटीएफ की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। एसटीएफ ने दावा करके बताया है कि गुड्डू मुस्लिम जो है वो कई सारे ऐसे लोगों के संपर्क में था जो अतीक अहमद के बेहद खास थे और अतीक अहमद जिन पर आंख बंद करके भरोसा करता था, उन सभी लोगों के साथ गुड्डू मुस्लिम ने अपनी पैठ जो है एक अलग ही रूपरेखा के साथ बिठाने की कोशिश की थी, जो इस तरफ संकेत दे रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद की जगह लेना चाहता था। गुड्डू मुस्लिम जो है वो अतीक अहमद की जगह लेकर के उसे धोखा देना चाहता था और उन तमाम लोगों के यहाँ पर संपर्क में आने की वजह से ही जो है यहाँ पर अतीक अहमद के ऊपर ये पूरी की पूरी कार्रवाई की गई है। देखिये, अतीक अहमद के ऊपर जब से गोलीकांड हुआ है तब से हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिरकार अतीक अहमद को मारने वाला कौन था। अब इस सवाल के पीछे का जवाब अभी तक निकल करके नहीं आ रहे, लेकिन इस सवाल के जवाब से पहले ही जो है कई बड़े मुद्दे खुल के सामने निकल के आते रहे हैं और इन मामलों को अगर हम देखें तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा साफ हो चुका है कि अतीक अहमद को मारने वाला कोई अपना ही था, यानी कि बाहरी लोगों पर बाद में शक किया जा रहा है, पहले घर के लोगों पर शक किया जा रहा है, जिसमें पहले नाम शाइस्ता परवीन का निकल करके आ रहा था, अब गुड्डू मुस्लिम का नाम सामने निकल करके आ रहा है। गुड्डू मुस्लिम की तरफ से जो कन्फेक्शन किया जा रहा है इस वक्त यहाँ पर जो है प्रशासन की तरफ, वो साफ तौर पर ये दर्शा रही है कि प्रशासन इस वक्त काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर है और समझ रही है कि आखिरकार गुड्डू मुस्लिम क्या कुछ कह रहे हैं। एसटीएफ की तरफ से जो ये दावा किया गया है, इस दावे ने इस पूरे मामले की एक और अलग ही पोल खोल करके रख दी है। अब इस पोल खोल वाले नतीजे को देखने के बाद आखिरकार गुड्डू मुस्लिम पर कौन सी बड़ी कार्रवाई होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा और कितने बड़े खुलासे गुड्डू मुस्लिम करने वाला है ये कोई नहीं जानता, लेकिन अतीक अहमद मामले को लेकर के इस वक्त पूरा का पूरा प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर, और यही वजह है कि एक के बाद एक तमाम आरोपियों को, तमाम संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पहले यहाँ पर जो है एक कई सारे खुलासे यहाँ पर जिन लोगों ने हथियार से उनके ऊपर गोली चलाई थी वो लोग यहाँ पर कबूल रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ कबूलनामा गुड्डू मुस्लिम की तरफ से भी आ रहा है और यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि कुछ और संदिग्ध के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनसे भी पूछताछ जारी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।